हमीरपुर बाजार में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब बीच बाजार से दमकल विभाग की गाड़ी सायरन बजाती हुई तेजी से एसबीआई शाखा के पास पहुंची। एसबीआई शाखा में गलती से फायर अलार्म बजने के कारण सीधी सूचना दमकल विभाग के पास पहुंची और तुरंत दमकल विभाग की आग बुझाने की गाड़ी बैंक शाखा के बाहर आग पहुंची। लेकिन यहां पर आने पर बैंक ने पहले तो आग लगने की बात पर अनभिज्ञता जताई गई और बाद में एक महिला बैंक कर्मी ने कबूल किया कि फायर अलार्म बजाया है। फायर ब्रिगेड के स्टेशन ऑफिसर राजेंद्र चौधरी ने बताया कि मौके पर पहुंचकर पाया कि आग नहीं लगी थी और बैंक फायर अलार्म टेस्ट कर रहा था। उन्होंने बताया कि बैंक से लिखित रूप में लिया गया है कि जब भी ऐसे टेस्टिंग की जाए तो पहले सूचित किया जाए। 10:15 बजे हम 11:30 बजे हम अपने ऑफिस में काम कर रहे थे रोजमर्रा की तरह, तो अचानक ये कॉल आई, एक जो ऑनलाइन कॉल आती है जैसे हमारा ये इसमें फिक्स फायर वाटिंग इंस्टॉलेशन लगा हुआ है एसबीआई बैंक में, तो जहाँ से कहीं भी स्मोक या कोई हीट ऐसी उस डिटेक्टर के संपर्क में आती है तो वो सीधी कॉल हमारे को फायर सर्विस को और जो कंसर्न मैनेजर साहब होते हैं उनके मोबाइल पर मैसेज आता है। तो जैसे हमारे को मैसेज आया कि ऐसे ऐसे वहाँ पे आग लगी है, तो हमने तुरंत अपना टर्नआउट जो है मूव किया और मौके पर पहुँचे। तो मौके पर जब आए तो यहाँ पता लगा कि अलार्म बजा था, परंतु जो जितने भी ह्यूमन बींग्स बिल्डिंग के अंदर आ रहे थे उनको एक्शन नहीं पता था। एक एसबीआई ब्रांच की एक मैडम है अंजू, जो दूसरी ब्रांच से यहाँ पर आई थी, तो उसने बोला कि हाँ जी अलार्म बजा है, तो उसके बाद इसकी छानबीन की गई तब पता लगा कि अलार्म इन्होंने बजा है और ये बताया कि इसको चेक कर रहे थे। तो चेक करने के बाद हमने इनको सजेस्ट किया कि अगर इसको चेक कर रहे थे, चेक करने से पहले फायर सर्विस को कॉल करें कि हम अलार्म अपने सिस्टम को चेक कर रहे हैं ताकि हम अपनी मूवमेंट ना कर सकें। तो इन इस बात का मेरे को पूछते रखे, कोई इंटीमेशन नहीं दी। जैसे हमारे को कॉल आई हमने वह कॉल की, क्योंकि उनका मैसेज फोन जो था अंगेज किया, अंगेज होने की वजह से हमने अपना टाइम को डिले नहीं करते हुए तुरंत मौके पर आए हैं और स्थिति को देखा है, तो पता लगा कि हमारे सिस्टम में चेक कर रहे थे एनसी रिगार्डिंग से रिटर्न में लिया कि फ्यूचर में वारदात करनी हो तो हमें टाइम के पहले बता दिया। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बैंक तक पहुंचने में भी मशक्कत का सामना करना पड़ा। चौधरी ने बताया कि आगजनी की घटना के दौरान हर पल कीमती होता है और विभाग द्वारा सायरन इस्तेमाल करने के बावजूद मेन रोड पर कई वाहन चालकों ने पास नहीं दिया, जबकि बीच बाजार में लोगों द्वारा सड़क किनारे लगाई गई गाड़ियों के कारण भी पहुंचने में देरी हुई। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि आपातकालीन में लोग सहयोग करें। बीच में हमारे को कुछ लोगों को जो जितने भी यहाँ के चालक हैं, जितने व्हीकल्स के ड्राइवर हैं, उनको भी अभी तक अवेयरनेस का थोड़ा यूनानी है कि फायर सर्विस की गाड़ी जा रही है, एमरजेंसी है, वहाँ आदमी फंसे हो सकते हैं, किसी की जान को भी खतरा हो सकता है। तो उन लोग ड्राइवरों में जितने भी चालक दल के सदस्य हैं उनको इतना पता नहीं है कि अभी तक एमरजेंसी व्हीकल जा रहा है, उसको तुरंत पास दिया जाए। कुछ गाड़ियों ने एक बस हमारे रास्ते में मिली, उसका अप्रिशिएट करते हैं, इसने चढ़ाई में भी अपनी गाड़ी साइड में लगा के तुरंत पास दिया। परंतु कुछ लोग जो थे वो जिन्होंने आइडल पार्किंग किया मेन बस स्टैंड के लिए, हमारे को 2-3 मिनट वेस्ट हुए हमारे, तो हमारे लिए 1-1 मिनट जो है वो कॉस्टली होता है। तो इसके लिए मैं पब्लिक में एक ये सजेशन देना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी फायर की गाड़ी एमरजेंसी में जा रही है तो उसको तुरंत रास्ता दें, और आइडल पार्किंग से भी हम अनुरोध करेंगे कि गाड़ी को ऐसे स्थान पर पार्क करें कि ताकि दूसरा वाहन आसानी से एमरजेंसी में जा सके, चाहे वो दिन का समय हो चाहे वो रात का समय हो, आइडल पार्किंग से हमें कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा।